गुड मॉर्निंग, आई एम सूरज प्रकाश सूरज। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 7 के फर्स्ट एक्सरसाइज साइंस का, जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। फिर से मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आप लोगों को साइंस पढ़ते समय अपने पास एक नोटबुक रखना होगा, एक पेन रखना होगा, ताकि कि जो भी चीज अभी मैं अपने पीछे बोर्ड पे बताऊंगा आप उसको तुरंत अपने कॉपी पे लिख सके। फ्यूचर्स में आपका जो एग्जामिनेशन होगा, जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होगा स्कूल खुलने के बाद, उसमें आपको ये बहुत ज्यादा क्या करेगा, हेल्पफुल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी छात्र क्या करते होंगे कि सारे जितने भी वीडियोज आपको भेजे गए उन वीडियोज को आप लोग देखते होंगे, साथ में जो भी बोर्ड पे लिखा गया, पढ़ाया गया, या फिर जो भी है ना, आप उसको अच्छे तरीके से देखते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे। आप लोगों को इस लेसन में मैंने क्या पढ़ा दिया, आप लोगों को मैंने बेसिक साइंस पढ़ा दिया, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में मैंने बता दिया, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में भी मैंने बता दिया, एलिमेंट का बहुत सारा सिंबल, उसका लैटिन नेम, इन सारे चीजों को मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इसी का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? आज मैं इसी बारे में डिस्कस करूंगा कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। जैसे होता है सोडियम क्लोराइड, जैसे होता क्या है सोडियम क्लोराइड, जिसको कहा क्या जाता है, कहा जाता है कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। तो इसका जो आपका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। तो आखिर आपको कैसे लिखने को आएगा कि ये NaCl क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने से पहले क्या होगा कि आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, वो आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। अभी मैंने लिखा नाम क्या था, मैंने लिखा था सोडियम क्लोराइड। अब देखिए इस नाम में दो नाम है, एक है सोडियम और एक है क्लोराइड। तो इस सोडियम को, नाम में जो पहले आता है उसको, इसको कहा जाता है बेसिक रेडिकल। इसको क्या कहा जाता है, बेसिक रेडिकल, या फिर क्या कहा जाता है, कहा जाता है पॉजिटिव रेडिकल, है ना। इसको कहा जाता है बेसिक रेडिकल या फिर पॉजिटिव रेडिकल। और जो बाद में आता है इसको कहा जाता है एसिडिक रेडिकल। इसको कहा जाता है एसिडिक रेडिकल या फिर कहा जाता है इसको निगेटिव रेडिकल। इसको कहा जाता है एसिडिक रेडिकल या फिर क्या कहा जाता है, निगेटिव रेडिकल। तो अब हमको जो है कुछ बेसिक रेडिकल्स के नेम, साथ में उसका सिंबल, साथ में उसका वैलेंसी, याद रखेंगे केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए वैलेंसी जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब आप पूछेंगे सर ये वैलेंसी क्या होता है, तो अभी आप लोग इस क्लास में याद कर लें, है ना, आपको फिर अगले क्लास में या किसी और लेसन में मैं वैलेंसी निकालना भी सिखा दूंगा कि कैसे निकाला जाता है। तत्काल में आपको जो मैं बता रहा हूँ अभी के लिए वो आप लोग अच्छे तरीके से देखें, सुने और समझें। सुनना ये है कि आज मैं आपको लिखने के लिए सिखाने जा रहा हूँ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला में दो पार्ट होते हैं, केमिकल फॉर्मूला में कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहले वाले को कहा जाता है एसिडिक रेडिकल या पॉजिटिव रेडिकल, और बाद वाले को, पहले वाले को कहा जाता है बेसिक रेडिकल या पॉजिटिव रेडिकल, और दूसरे वाले को कहा जाता है एसिडिक रेडिकल या फिर निगेटिव रेडिकल। और इस केमिकल फॉर्मूला को, इस केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है वो होता है वैलेंसी, है ना। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि बोर्ड पे कुछ पॉजिटिव रेडिकल्स, कुछ पॉजिटिव रेडिकल्स के नाम, कुछ पॉजिटिव रेडिकल्स के सिंबल, है ना, और उसके वैलेंसी को लिखूंगा। आप अपने कॉपी में उसको क्या करेंगे, याद करेंगे, है ना, लिखेंगे, ताकि जब भी आपको केमिकल फार्मूला बनाने कहा जाए तो आप आसानी से केमिकल फार्मूला को बनाएंगे। और इस चीज काम को करने के लिए जिस बुक को मैं हेल्प में लेने जा रहा हूँ उस बुक का खुद भी नाम है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। क्लास में भी मैंने बहुत बार बच्चों को कहा था कि आप लोग ये बुक परचेज कर लें, है ना, तो आप लोग क्या करेंगे कि परचेज कर लेंगे, है ना, इन सारी चीजों को, इस बुक को पहले भी मैं लिखवा चुका हूँ, ऐसे में फिर से अभी करवा दे रहा हूँ काम। सबसे पहले जो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे वो है मेरा बेसिक रेडिकल, जिसको पॉजिटिव रेडिकल भी कहा जाता है। ये है पॉजिटिव रेडिकल, ठीक है। इस पॉजिटिव रेडिकल के बाद उसका लिखा जाएगा क्या, वो होगा सिंबल, और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, तो वो होगा वैलेंसी। इसको याद रखना होगा, इसको हमको क्या रखना होगा, याद रखना होगा। चलिए सबसे पहला जो नाम है वो है हाइड्रोजन का, सबसे पहला नाम है हाइड्रोजन का। हम जानते हैं इसका सिंबल क्या होता है, वन होता है, सॉरी इसका सिंबल एच होता है, और वैलेंसी कितना होता है, वन।
इसके बाद जो नाम है वो नाम है सोडियम का। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, और इसका भी वैलेंसी कितना होता है? 1। इसके बाद जो नाम है वो नाम है पोटेशियम का। इसके बाद जो नाम है वो नाम है पोटेशियम का, सिंबल क्या होता है? के, और इसका भी वैलेंसी कितना होता है? 1। सीधा सीधा एकदम आप लोग देख के लिखेंगे, कैपिटल स्मॉल का भी ध्यान आप लोग रखेंगे, है ना। इसके बाद है अमोनियम। अमोनियम, अमोनियम का जो होता है सिंबल वो होता है NH4। NH4 देखिए थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, और इसका भी वैलेंसी कितना होता है? तो होता है 1। इसके बाद है मैग्नीशियम, MAGNESIUM, मैग्नीशियम जिसको सिंबलाइज किया जाता है Mg से, और इसका वैलेंसी कितना होता है? तो होता है 2। इसके बाद है कैल्शियम, CALCIUM, कैल्शियम को सिंबलाइज किया जाता है Ca से, और वैलेंसी कितना होता है? 2। इसके बाद है जिंक, जिंक को सिंबलाइज किया जाता है Zn से, और इसका भी वैलेंसी कितना होता है? 2। इसके बाद है बेरियम, इसके बाद है बेरियम, बेरियम को डिनोट किया जाता है Ba से, और इसका भी वैलेंसी कितना होता है? 2। इसके बाद है एल्यूमिनियम, 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 एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट किया जाता है Al से, और वैलेंसी कितना होता है? 3। इसके बाद है क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम को रिप्रेजेंट किया जाता है Cr से, है ना, और इसका भी वैलेंसी कितना होता है? 3। तो आप लोग इतना दूर पहले बोर्ड पे से मैं हट जा रहा हूँ, इतने दूर को आप लोग कॉपी पे उतार लें। कॉपी पे उतारने के बाद इसके बाद अभी और लिखवाया जाएगा, ज्यादा नहीं है, बहुत कम होता है ये, है ना। तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, अपने कॉपी पे अच्छे तरीके से लिखना है ना, याद करना है, और इसी की सहायता से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग लिखते हैं केमिकल फार्मूला को। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सारे चीजों को लिखते चले जाएं। चलिए इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, तो इन सभी भी मिटा दे रहा हूँ इनको मैं, है ना। अब इसके बाद भी अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, उनको भी हमें लिखना होगा। जितना हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोगों का जो है आपको बनाने में हेल्प ज्यादा होगा। तो आप लोग भी घर पे बैठ के, है ना, आपको मैं बहुत सारा क्वेश्चंस दूंगा, बहुत सारे को मैं बनाने के लिए आप सिखाऊंगा। और आप लोगों को क्या करना है कि आज सीखना है कि आखिर कैसे केमिकल, है ना, फॉर्मूला लिखा जाता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग अभी और बेसिक रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल को पहले लिख लेते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग सीखेंगे। अभी तक मैंने आपको लिखा है कहां तक, तो क्रोमियम तक। अगला है क्यूपरस, क्यूपरस, है ना, या फिर इसको कॉपर फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, कॉपर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। सिंबल होता है इसका Cu, और वैलेंसी कितना होता है? होता है 1। सिंबल होता है Cu, और वैलेंसी कितना होता है? 1। अगला है क्यूप्रिक, अगला है क्यूप्रिक, जिसको कॉपर सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, कॉपर सेकंड, है ना, कॉपर सेकंड, इसका भी सिंबल क्या होता है? होता है Cu, लेकिन वैलेंसी इसका कितना होता है? 2। अगला है फेरस, अगला है फेरस, या फिर इसको आयरन थर्ड सेकंड भी कहा जाता है, इसका सिंबल जो होता है वो होता है Fe, और इसका जो वैलेंसी होता है वो होता है 2। अगला है फेरिक, फेरिक, या फिर इसको कहा जाता है आयरन थर्ड, इसको क्या कहा जाता है? आयरन थर्ड, इसका भी सिंबल क्या होता है? Fe, और वैलेंसी कितना होता है? 3। इसके बाद है आपको मर्क्यूरस, 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 मर्क्यूरस को हम लोग मरकरी फर्स्ट भी कहते हैं, हम लोग इसको मरकरी फर्स्ट भी कहते हैं। सिंबल इसका होता है Hg, सिंबल क्या होता है? Hg2, इसका जो सिंबल होता है वो होता है Hg2, और वैलेंसी होता है इसका 1। इसके बाद है मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक और मरकरी सेकंड, और मरकरी सेकंड, है ना, इसका जो सिंबल होता है वो होता है आपका क्या? तो वो होता है सिर्फ Hg, और वैलेंसी कितना होता है? 2। बस इतना ही आपको इसमें देखना है ना, है तो बहुत, लेकिन आपको ज्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इनको लिख लीजिए, है ना। ये हो गया आपका बेसिक और पॉजिटिव रेडिकल, है ना, वो बेसिक और पॉजिटिव रेडिकल। इसके बाद जो मैं लिखने वाला हूँ वो होगा आपका, है ना, एसिडिक और निगेटिव रेडिकल, है ना, एसिडिक रेडिकल और निगेटिव रेडिकल, है ना, या फिर यूं हम लोग कह लें कि पॉजिटिव रेडिकल और निगेटिव रेडिकल की सहायता से हम लोग केमिकल फॉर्मूले को लिखते हैं, है ना, या फिर यूं कह लें
कि बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल की सहायता से हम लोग किसी भी फॉर्मूला को, केमिकल फॉर्मूला को हम लोग लिख लेते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ये आप लोग क्लास 7 के छात्रों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे, नहीं समझेंगे अभी जो मैं समझाऊंगा, तो आपसे ये काम होगा नहीं। और एग्जाम में मिनिमम 5 नंबर का, मिनिमम 5 नंबर का ये क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल है ना, उसका लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए सिंबल, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वैलेंसी। फिर मैं इधर लिख देता हूँ वही चीज, मैं लिखूंगा एसिडिक रेडिकल, मैं लिखूंगा एसिडिक रेडिकल, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेडिकल, एसिडिक रेडिकल है ना, और यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा उसका सिंबल, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंबल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा उसका वैलेंसी। आपको याद रखना होगा है ना, इस क्लास में आपको ये सारी चीजें क्या करनी होगी, याद करनी होगी है ना। तो इसके बाद चलिए मैं लिखता हूँ, सबसे पहला जो है वो है क्या, तो हाइड्राइड, सबसे पहला जो हाइड्राइड सिंबल होता है H और वैलेंसी होता है 1। इसके बाद है आपका क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड को क्या लिखते हैं हम लोग Cl, और इसका भी वैलेंसी कितना होता है 1। इसके बाद है आपका ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का होता है सिंबल Br और वैलेंसी क्या होता है 1। इसके बाद है आपका आयोडाइड, आयोडाइड सिंबल होता है आई और वैलेंसी भी क्या होता है, तो वैलेंसी होता है इसका 1। इसके बाद है आपका फ्लोराइड है ना, फ्लोराइड, क्लोराइड का सिंबल होता है F और वैलेंसी क्या होता है, इसका भी होता है 1। इसके बाद आपका हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH है ना, और वैलेंसी क्या होता है, इसका होता है 1। इसके बाद है आपका नाइट्राइड, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, नाइट्राइड का सिंबल जो होता है वो होता है NO2 और वैलेंसी कितना होता है 1, वैलेंसी जो इसका होता है वो क्या होता है 1। इसके बाद है आपका नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3 है ना, और वैलेंसी कितना होता है, तो वैलेंसी होता है 1। इसके बाद है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का जो सिंबल होता है वो होता है HCO3 है ना, और वैलेंसी कितना होता है, तो इसका भी होता है 1। इसके बाद जो आपको है सिर्फ कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट का होता है सिंबल क्या, तो वो होता है CO3 और वैलेंसी कितना होता है, तो इसका वैलेंसी होता है 2। इसके बाद है कार्बोनेट के बाद बाइसल्फेट, 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 इसका जो सिंबल होता है वो होता है HSO4, HSO4 और वैलेंसी कितना होता है, तो वैलेंसी होता है 1। इसके बाद है आपका बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फाइड और सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फाइड दोनों अलग अलग होता है, तो सल्फाइड, बाई सल्फाइड का फॉर्मूला होता है HSO3 और वैलेंसी होगा आपका 1। इसके बाद है आपका बाई सल्फाइड, बाई सल्फाइड, बाई सल्फाइड जिसका फॉर्मूला होता है सिर्फ और सिर्फ क्या, तो HS और इसका वैलेंसी क्या होता है 1। इसके बाद जो आपको वो है क्या, क्लोरेट, CHLORATE, क्लोरेट का जो सिंबल होता है वो होता है क्या, तो CLO3, CLO3 और इसका वैलेंसी भी क्या होता है 1। इसके बाद है आपका परमैंगनेट, 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 परमैंगनेट का जो सिंबल होता है वो होता है MnO4, MnO4 और वैलेंसी कितना होता है, तो वैलेंसी होता है 1। उसके बाद है सल्फेट, सल्फेट, सल्फेट का जो सिंबल होता है वो होता है SO4 और वैलेंसी कितना होता है, तो ये होता है 2। इसके बाद आपको है सल्फाइड, 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 सल्फाइड का जो सिंबल होता है वो होता है SO3 और वैलेंसी आपका कितना होता है, तो वो होता है 2। इसके बाद है सल्फाइड, SULPHIDE, सल्फाइड, सल्फाइड का जो होता है सिंबल वो होता है S और वैलेंसी होता है इसका 2। इसके बाद है आपको ऑक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड का जो सिंबल होता है वो होता है O और इसका जो वैलेंसी होता है वो होता है 2। इसके बाद आपको कौन सा, तो डाइक्रोमेट, 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 डाइक्रोमेट का जो सिंबल होता है वो होता है CR2O7, CR2
O7 और इसका भी वैलेंसी कितना होता है? दो। मैं बोर्ड पर से हट गया हूँ, आप लोग लिख लीजिए, आपको थोड़ा सा और लिखना है, ज्यादा नहीं है ना। बस उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं, बस 3 या 4 लिखना है आप लोगों को। बोर्ड को, वीडियो को कर लीजिए पॉज, अच्छे तरीके से उतार लीजिए, और उतारने के बाद आप आसानी से आप केमिकल फॉर्मूला में से इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं, है ना, और साथ में कितने एटम से बना हुआ था या केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से बना हुआ था आप इसको भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से देता हूँ, इसको मिटा, है ना, उधर वाले को मैं रहने देता हूँ, 3-4 मुझे और लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पॉज करके लिख रहे होंगे, है ना। अच्छे तरीके से पढ़िए, सफल बनिए, हम लोग भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। अगला है आपको क्या, तो वो है क्रोमेट। अगला है आपको क्रोमेट। क्रोमेट का जो सिंबल होता है वो होता है CrO4, और इसका जो वैलेंसी होता है वो होता है कितना, 2। इसके बाद है आपका सिलिकेट। सिलिकेट का जो सिंबल होता है वो होता है SiO3, है ना, SiO3, और इसका वैलेंसी कितना होता है, 2। इसके बाद है आपका नाइट्राइड। नाइट्राइड का जो सिंबल होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ N, और वैलेंसी कितना होता है, तो ये होता है 3। इसके बाद है आपका फॉस्फाइड, है ना, स्पेलिंग पे ध्यान देना है, फॉस्फाइड का सिंबल होता है P, और वैलेंसी कितना होता है, 3। इसके बाद है फॉस्फाइट। फॉस्फाइट का जो सिंबल होता है वो होता है PO3, और इसका वैलेंसी कितना होता है, तो ये भी होता है 3। इसके बाद है फॉस्फेट। फॉस्फेट का जो सिंबल होता है वो होता है PO4, और वैलेंसी कितना होता है, इसका भी 3। और इसके बाद जो अंतिम है वो है कार्बाइड। कार्बाइड का सिंबल होता है C, और वैलेंसी कितना होता है, 4। तो मैं बोर्ड पर से फिर से एक बार हट जा रहा हूँ। आप लोग बोर्ड पर जितने भी सिंबल्स लिखे हुए हैं, जितने भी एसिडिक रेडिकल्स लिखे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सभी को उतार लिए होंगे। उतारने के साथ साथ आप लोगों को इसको याद भी करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि केमिकल फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखाऊं, सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला में से मैं आपको इंफॉर्मेशन निकालना सिखाता हूं। जब तक आप इंफॉर्मेशन निकालना सीखेंगे नहीं, तब तक आपको ये जो आप वीडियो देख रहे हैं या जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ये आपको किसी भी हालत में समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले आपको मेरे साथ साथ कुछ सवाल जो है बोर्ड पे लिखना होगा, है ना। बोर्ड पे मैं कुछ सवाल को लिख रहा हूँ, आपको करना क्या होगा कि उस सवाल में से, है ना, इंफॉर्मेशन निकालना होगा। तो आइए पहले सवाल को हम लोग लिख लेते हैं, है ना। सवाल जो है आपके होमवर्क में होगा, क्योंकि मैं 1-2 ही इसमें बताऊंगा, उसके बाद आपको ही लिखना होगा। सवाल पहला है, लिखा हुआ है कि फॉलोइंग्स आर द फॉर्मूला ऑफ सम कंपाउंड्स। Write the name of the elements and the number of atoms of the elements with which the Compounds are formed. तो चलिए अब पहले मैं लिख लेता हूँ सवाल। सबसे पहला है CaCO3। दूसरा सवाल है C12H22O11। तीसरा सवाल है Na2B4O7। चौथा सवाल है K2Cr2O7। पांचवा सवाल है Na2SO4। छठा सवाल है CO2। सातवां सवाल है H2SO4। आठवां सवाल है NH4Cl, है ना। इसके बाद जो नौवां सवाल है वो है KMNO4, यह है। इसके बाद आपका जो दसवां सवाल है, है ना, वो है HGO। 11वां जो सवाल है
वो है आपका P2O5 आपका 12वां जो सवाल है तो वो है HNO3 13वां जो सवाल है वो है AlBr3 और जो आपका 14वां सवाल है वो है FeS। तो ये आपको 14 सवाल है, आपको इसमें से क्या करना है जो मैं बताता हूँ। पहले आप लोग करेंगे क्या कि आप लोग बोर्ड पे से इसको उतार लीजिए, है ना, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि हमको करना क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको बोर्ड पे से उतार रहे होंगे। उतारने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को करना है पॉज, है ना, और देखने के लिए समझने के लिए अच्छे तरीके से वीडियो को देखते रहना है, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। लिखा हुआ है कि फॉलोइंग्स आर द फॉर्मूला ऑफ सम कंपाउंड, मतलब जितना भी 14 दिया गया है वो फॉर्मूला है किसका, किसी कंपाउंड का। करना क्या है कि राइट द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स, हमको एलिमेंट्स का नाम लिखना है, एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, साथ में उसके एटम नंबर को भी लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स को भी लिखना है, विथ विच द कंपाउंड्स आर फॉर्म, जिससे कि ये कंपाउंड बना हुआ है। तो आइए मैं निकालता हूँ इंफॉर्मेशन, मैं समझाता हूँ, आप समझिए, मैं एक या तो समझा दूंगा, उसके बाद वाले सभी को आपको बनाकर जमा करना होगा, आज ही रात में 8 बजे तक व्हाट्सएप पे क्या करना होगा, भेजना होगा। पहले सवाल को मैं लेता हूँ, पहला सवाल जो है वो है CaCO3, पहले पहचानना सीख जाइए। यहाँ देखिए, एक कैपिटल लेटर के साथ एक स्मॉल है, इसका मतलब ये दोनों किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ देखिए दोनों का दोनों कैपिटल है ना, दोनों का दोनों क्या है, कैपिटल है, मतलब ये दोनों अलग अलग है। अब इसका मतलब कितना एलिमेंट यहाँ मिल गया हमको, 1, 2 और 3, तो सबसे पहले तीनों को अलग अलग लिख लिए, लिख लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम, तो क्या है नाम, CA से क्या नाम होता है, तो CA फॉर होता है क्या चीज, कैल्शियम। CA से क्या होता है, कैल्शियम। C से क्या होता है, कार्बन, और O से क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ये हो गया इसका नाम, पहला इंफॉर्मेशन निकल गया, नाम से CA फॉर कैल्शियम, C फॉर कार्बन एंड O फॉर ऑक्सीजन। अब यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, तो आप यहाँ पे देखिए CA के पास कोई नंबर लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे नहीं सर कहाँ लिखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे छिपा हुआ होता है क्या, 1, अगर कुछ नहीं होता तो क्या छिपा हुआ होता है, 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया, 1। इसके बाद यहाँ फिर से नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम, फिर देखिए C के बाद कोई नंबर है, आप कहेंगे नहीं सर लेकिन है, कौन है, तो 1 है। उसके बाद यहाँ पे फिर आ जाऊंगा मैं, लिखूंगा नंबर ऑफ क्या चाहिए, एटम्स, तो आप देख सकते हो ओके तुरंत बाद नंबर है, कितना नंबर है, तो वो है 3। तो यही इंफॉर्मेशन आपको अपने कॉपी में लिखना है ना, और भेजना है। चलिए मैं एक और बता देता हूँ आपको, उसके बाद आपको जो है ये लेसन क्या होने लगेगा, ये एक जो आपको होमवर्क मिला हुआ है ये क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं ले लेता हूँ सवाल नंबर, चलिए आई को ले लेता हूँ, सवाल नंबर आई, सवाल नंबर आई में है कि KMnO4 है ना। अब देखिए K कैपिटल है, M भी कैपिटल है, इसका मतलब दोनों अलग अलग है, लेकिन M के साथ स्मॉल मिला हुआ है, इसका मतलब Mn एक है, K अलग है और O भी अलग है, मतलब कितना एलिमेंट्स है यहाँ पर, 3। तो सबसे पहले लिख लिया K, एक जगह लिख लिया Mn और एक जगह लिख लिया O। K फॉर क्या होता है, तो K सिंबल है पोटेशियम का, लिख लिया। Mn किसका सिंबल है, तो ये है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का, और O किसका सिंबल है, तो वो है ऑक्सीजन का। अब देखिए पोटेशियम में नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स, कितना एटम्स है यहाँ के बाद, तो कुछ नहीं है, तो क्या है, एक एटम है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स आप फिर से देख सकते हैं, कितना है Mn के पास एटम, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कितना एटम है, एक एटम। ऐसा क्यों, आप लोगों को मैंने बताया था, याद कीजिए सिंबल लिखने दिन, कि H रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को और साथ में करता है एक एटम को, ऐसा करके मैंने बताया था, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ वो, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स, और O के पास कितना एटम्स है, तो यहाँ पे है 4। तो मतलब आपको इस तरीके से लिखना है, मैं फिर से बोर्ड के ओर से हट जा रहा हूँ, आप क्या करें कि बोर्ड पे से इन सारी चीजों को उतार ले, है ना, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ये बोर्ड पे से इन सभी चीजों को उतार लिए होंगे, है ना। तो ये था कि किसी आपके किसी भी कंपाउंड से
फॉर्मेशन निकालना, इंफॉर्मेशन निकालना। किसी भी कंपाउंड का जब आपको नाम दे दिया जाए तो उसमें से क्या निकालना, तो उसमें से हमको इंफॉर्मेशन निकालने के बारे में ये था कि आखिर उसमें से कैसे हम किसी चीज को पहचानेंगे। अब बात जो मैं करता हूँ इसके बाद, अब बातें आएंगी केमिकल फॉर्मूला की, लेकिन उसको भी लिखने से पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को लिखना होगा, ताकि जब आप क्वेश्चंस को लिख लेंगे तभी ना मैं बता पाऊंगा कि इसको बनाया कैसे जाता है। और आप लोगों से सबसे बड़ा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई टॉपिक ऐसा लग रहा हो कि जो मैं आपको समझा नहीं पाया, उसके बारे में आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे रिव्यू दे सकते हैं कि सर आपने ये नहीं बताया या मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं आप लोगों के लिए हमेशा कोशिश करूंगा कि आप लोग अच्छे तरीके से सीखें, जिसके लिए आपको अपनी कमी मुझे बताना होगा और मुझे अपनी कमी आपको बताना होगा। तो आप लोगों को लिखना होगा कुछ क्वेश्चंस, है ना, तब जाके क्या हो सकता है कि आप लोगों के लिए हो सकता है सॉल्यूशन, मतलब आप सीख पाएंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं क्या कि राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये भी आपका रह गया किस चीज में, होमवर्क में, है ना। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने दे दिया, सेकंड है कि राइट डाउन द मॉलिक्यूलर, राइट डाउन द मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, मतलब जितना भी कंपाउंड्स का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा आपको उसका लिखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैं बहुत सारे कंपाउंड्स का यहाँ पे जल्दी जल्दी नाम लिखता हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी उसको उतारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं लिख देता हूँ नंबरिंग करके वन से। सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। दूसरा जो आपका है वो है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तीसरा जो आपका है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड क्लोराइड। चौथा जो आपका है वो है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। पांचवा जो आपका है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड क्लोराइड। छठा जो आपका है वो है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। इसके बाद सातवां जो आपका है वो है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। आठवां जो आपका है वो है कौन है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। नौवां जो आपका वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। छठा जो, दसवां जो आपका है वो है क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। ग्यारहवां जो आपका है वो है क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, है ना। बारहवां जो आपका है वो है फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। इसके बाद जो आपका है तेरहवां जो है वो है फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, है ना। आपका चौदहवां जो है वो है क्या, तो है आपका मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। पंद्रहवां जो है वो है आपका कौन, तो मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड। ये हो गया। सोलह नंबर में जो आपका है वो है सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। सत्रह नंबर में आपका मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। आपका जो अगला है वो है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड। इसके बाद जो आपका उन्नीसवां वो है सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। और जो अगला है बीस नंबर वो है आपका लिथियम हाइड्राइड, या चलिए लिथियम वाले को छोड़ देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 20 सवाल मैंने आपको बोर्ड पे दिया है,
इसमें से कुछ मैं आपको अभी तुरंत बता दूंगा, है ना। आज भी मैंने ये होमवर्क में दिया है और कल भी मैं बहुत सारे इसको होमवर्क में दूंगा, है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स दूंगा। तो आज जो है अभी पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि और भी आपको देने के लिए अभी आप इसको उतार लें, है ना। अब जब आपका वीडियो को पॉज करके उतारा हुआ हो गया है तो कुछ जो है मैं आपको बता देता हूँ। मैं इधर से मिटा दे रहा हूँ इसको, है ना, ताकि मुझे बताने में क्या हो, आराम हो, है ना। अब आपको देखना है क्या कि आपको देखना है एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के बारे में। चलिए मैं सबसे पहले नंबर वन ही बताता हूँ, लिखा हुआ क्या है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब आप बनाएंगे कैसे जो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको कॉपी निकाल लेंगे वो वाले जिसमें अभी कुछ ही देर पहले आप लोगों ने पॉजिटिव रेडिकल लिखा और एक में आपने निगेटिव रेडिकल लिखा, उस कॉपी को आप लोग निकाल लेंगे। कॉपी को निकालने के बाद, है ना, आप लोग उसमें से देखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो पहले वाला होता है ये होता है बेसिक रेडिकल, मतलब ये आपको मिलेगा कहाँ, तो मिलेगा बेसिक रेडिकल वाले में। तो बेसिक रेडिकल वाले में खोजेंगे सोडियम और ठीक उसके नीचे लिख देंगे उसका सिंबल Na और ठीक नीचे उसका लिख देंगे वैलेंसी, तो क्या चाहिए, वन। अब जो बाद वाला नाम होता है ये क्लोराइड, ये आपको मिलेगा एसिडिक रेडिकल में। कौन से रेडिकल में, एसिडिक रेडिकल में, तो उसमें भी इसका खोजेंगे सिंबल, तो सिंबल होता है Cl और वैलेंसी क्या होता है इसका, वन। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से Na को करेंगे Cl वाला वैलेंसी से और Cl को करेंगे Na वाले वैलेंसी से और इसको लिखेंगे ऐसे Na1 Cl1, है ना, हो गया Na1 और Cl1। 1 1 दोनों हो रहे हैं, तो अभी आप कुछ देर पहले देखे थे कि 1 लिखा हुआ भी नहीं रहता है, जैसे लिखा हुआ था KMnO4, तो K के पास मैंने बताया ना कुछ नहीं छिपा हुआ होता है, तो क्या होता है, तो होता है 1। तो उसी तरीके से इसको आप छिपा भी सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, तो लिख लेंगे हम लोग क्या चाहिए, NaCl। दिस NaCl इज द आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को पॉज करके इसको देखें, एक दो बार रिपीट करें, रिवाइंड करें, फॉरवर्ड करें। मैं एक सवाल और बता रहा हूँ आपको, इसके बाद आपको इस लेसन को खुद से ही बनाना होगा। चलिए मैं एक सवाल लेता हूँ, चलिए 4 नंबर मैंने ले लिया, क्या चीज, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। मेरी बातों को अच्छे से सुनिएगा, पहले जो नाम है वो नाम होता है बेसिक रेडिकल का, पहले जो नाम लिखा हुआ होता है वो होता है किसका, बेसिक रेडिकल का, और बाद में जो नाम लिखा हुआ होता है किसका, एसिडिक रेडिकल का। तो अमोनियम बेसिक रेडिकल में खोजेंगे अमोनियम का सिंबल, तो वो होता है NH4 और वैलेंसी कितना होता है, तो इसका वैलेंसी होता है 1, इसका वैलेंसी कितना होता है 1, तो ये हो गया यहाँ पर 1। क्लोराइड, क्लोराइड मिलेगा एसिडिक रेडिकल में, तो इसका खोजेंगे सिंबल, तो होता क्या है Cl और वैलेंसी कितना होता है 1। सबको सीरियली नीचे नीचे लिख देंगे। अब इसको कर देंगे इससे मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे इससे मल्टीप्लाई, मतलब बन गया NH4। अब इसके साथ एक 1 भी लिखना है, तो 1 लिखने के दौरान इसको कर देंगे ऐसे और यहाँ पे लिख लेंगे Cl1। अब 1 1 तो हम हाइड भी कर सकते हैं, तो फॉर्मूला बना क्या, NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। आप लोग वीडियो को रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखिए, एक दो बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में अगर आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मुझे बताएं कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी समझाने का। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, पर आप लोग क्लास 7 का टॉपिक आज खत्म किया जाता है। कल जो वीडियो आने वाला है उसमें भी आप लोग देखेंगे क्या, तो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इसी में आगे। अभी आपका लेसन खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारे डिफिनेशंस बाकी हैं, है ना। तो आपका अभी ये जो 7 क्लास का फर्स्ट एक्सरसाइज है, अभी 1-2 दिन और चलेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि हर एक टॉपिक को मैं अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ और आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और समय से आज ही शाम तक होमवर्क बना के भेज दें, है ना। तो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक्स।